नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। बिहारी न्यूज के आज के सेगमेंट कौन बनेगा विधायक में बात करेंगे गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के बारे में। बिहार में दो सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तैयारी शुरू हो गई है। दोनों ही विधानसभा में राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। ऐसे में यह बताया जा रहा है कि इस बार गोपालगंज में कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता सुभाष सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। ऐसे में बीजेपी की तरफ से सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला। राजनीतिक जानकार यह बता रहे हैं कि यह सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट है, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात सामने आई तो यह सीट राजद ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। राजद ने मोहन प्रसाद गुप्ता पर भरोसा किया है और उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। मोहन प्रसाद गुप्ता राजद के पुराने सिपाही रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव से काफ़ी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि मोहन प्रसाद गुप्ता के नाम पर राजद एक तरफ जहां वैश्य समाज का वोट अपनी ओर खींचना चाह रही है, तो वहीं राजद के पारंपरिक वोटों में अल्पसंख्यक और यादव पहले से ही हैं। तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवार कुसुम देवी को लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्हें सहानुभूति वोट मिलने की बात कही गई है। साथ ही साथ बीजेपी का पिछले चार चुनाव में यहां से जीतते आई है। ऐसे में एक बार फिर से कुसुम देवी की जीत की उम्मीद बीजेपी लगा रही है। गोपालगंज विधानसभा के पिछले चार चुनावों की स्थिति को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहा है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में सुभाष सिंह ने बसपा के उम्मीदवार साधु यादव को 36,000 वोटों से बड़े अंतर से हराया था। महागठबंधन की तरफ से यह सीट कांग्रेस के पास गई थी और उनके उम्मीदवार थे आसिफ गफूर, उन्हें सिर्फ 36,000 मत ही मिले थे। पिछले चार चुनाव से भले ही बीजेपी गोपालगंज में अजय रही हो, लेकिन इस विधानसभा में राजद को कमजोर न समझा जाए, क्योंकि साल 2005 से पहले यह सीट राजद के पास ही थी। बता दें कि साल 1995 में राम अवतार यहां से विधायक थे, तो वहीं साल 2000 में साधु यादव जीतने में सफल हुए थे, वो भी राजद के टिकट से। हालांकि इन दिनों साधु यादव लालू परिवार से अच्छे संबंध नहीं है। साल 2005 के फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर राजद के रियाजुल हक राजू जीतने में सफल रहे थे। अगर 1995 से पहले की बात करें तो इस विधानसभा में पहले कांग्रेस का दबदबा रहा था। महागठबंधन के उम्मीदवारों की बात करें तो वो पेशे से सोना और चांदी के व्यवसायी हैं। जेपी आंदोलन के समय उन्होंने छात्र राजनीति में अपना करियर की शुरुआत की थी। वे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में गोपालगंज सूबे दावेदार थे, लेकिन यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई, जिसकी वजह से मोहन प्रसाद गुप्ता चुनाव नहीं लड़ पाए। अब उपचुनाव में राजद ने इन पर एक बार भरोसा जताया है। इस विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी यादव की मामी चुनाव मैदान में उतर गई है। बता दें कि साधु यादव पिछले विधानसभा चुनाव में सुभाष सिंह से चुनाव हार गए थे। ऐसे में उन्होंने इस बार फिर अपनी पत्नी यानी कि इंदिरा देवी को चुनाव मैदान में उतारा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि साधु यादव के चुनाव मैदान में आ जाने के बाद से राजद गोपालगंज में चुनाव मैदान में उतरी है। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी, राजद, बसपा के साथ साथ अब AIMIM ने भी चुनाव मैदान में उतरने की बात कह दी है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि गोपालगंज में होने वाला यह उपचुनाव काफ़ी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि यहां पे बड़ी बड़ी पार्टियां जो है अपनी हिस्सेदारी कर रही है, खास करके बसपा की तरफ से जो साधु यादव की पत्नी चुनाव मैदान में आई है। ऐसे में जो है यह मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है, और खास करके जब AIMIM की एंट्री हुई है तो कहा जा रहा है कि सीमांचल वाले इलाकों में इसका प्रभाव है। ऐसे में इस विधानसभा चुनाव में भी AIMIM का जलवा अगर दिखा तो फिर राजद के सामने एक बड़ी चुनौती हो सकती है। तो ये थे गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक रिपोर्ट। आने वाले दिनों में हम मोकामा से जुड़ी हुई खबर आपको बताएंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।